जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चुनी लाल यादव। दोस्तों, अगर आप भी जियो का पोस्ट पेड सिम कार्ड यूज करते हैं और आपके मन में कभी कभी ख्याल आता होगा ऐसा कि अगर मान लिया कि जियो पोस्ट पेड का जो मैं सिम यूज कर रहा हूं और उसका जो बिल आया है उसको अगर ना पे करूं तो क्या होगा। जो भी आपका मंथली बिल आता होगा, जनरेट होता होगा 14 तारीख को या फिर कितने तारीख को, ठीक है, तो वो बिल कितने का भी हो, कि आप कितने का प्लान लिए हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कितने का प्लान भी लिए होंगे, जैसे मैं भी प्लान लिया हूँ 599 का, ठीक है, तो मेरा 18% GST लगा करके 706 रुपये का मंथली बिल आता है। ओके, और उसको अगर पे ना करूँ तो क्या होगा, यही चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है, कि क्या होगा आपके साथ अगर नहीं पे करोगे तो। ओके, तो देखिए, मैं यहाँ पे 599 का प्लान जो है लिया था, ठीक है, लगभग 5-6 महीने पहले, ठीक है, और उसको हर महीने मैं 706 रुपये का बिल मैं पे करता हूँ। ओके, लेकिन पिछले महीने से, पिछले 14 सितंबर का बिल जनरेट हुआ था मेरा, ओके, 706 रुपया, और आज है 10 अक्टूबर, ठीक है, पूरे पूरे 1 महीने होने वाले, ठीक है, और मेरा बिल आया है 706 रुपये प्लस 282 रुपये, ठीक है, 282 रुपये कैसे हुआ, 706 रुपये जो है दोस्तों मेरा तो बिल है, ठीक है, 599 रुपये प्लस 18% GST 706 रुपये, और जो प्लस में 282 रुपये जो हमें यहाँ पे देखा रहा है, ठीक है, ये क्या हुआ कि 14 तारीख लेकर के 23 तारीख तक जो बिल हमने, जो मैंने यूज करा, 282 रुपये बिल है, और ये जो 282 रुपये बिल है वो लास्ट दिन जो पे आउट करना होता है, जो बिल पे करना होता है, उस दिन तक ने आपने जो भी यूज किए डेटा उसका जो है बिल है, ठीक है, 282 रुपये। अब यहाँ पे जिस दिन आपने पे नहीं किया, जिस दिन आपका बिल पे करने का डेट था, लास्ट डेट, ठीक है, उस दिन नहीं पेमेंट किए, ठीक है, बिल नहीं पे किए, तो उसके ठीक 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद सर्विस को रोक दिया जाता है, ठीक है, इनकमिंग कॉल रोक दिया जाएगा और आउटगोइंग कॉल रोक दिया जाता है। ओके, उसके ठीक 5-6 दिन के बाद सर्विस को सस्पेंड कर दिया जाता है। ओके, मैं अभी कॉल करके दिखाता हूँ, मेरे को सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है, मैं आपको फोन में अभी दिखाता हूँ। ओके, देखिए, मैं यहाँ पे एक नंबर लगाता हूँ, किसी को भी लगाता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर की सेवा निलंबित की गई है, सेवा को फिर से शुरू करने के लिए कृपया जियो केयर को 199 पर कॉल करें। योर सर्विस इज सस्पेंडेड, टू रिज्यूम सर्विस प्लीज कॉल जियो केयर एट 199। सुन गए ना, योर सर्विस हैज सस्पेंडेड, ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए यू केयर कॉल करें 199। ओके, हमारा सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है, मतलब अब जो है दोस्तों सर्विस द्वारा जब इनेबल होता है, एक बार और सस्पेंड हुआ था, ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही बिल पे किया ठीक 10 मिनट के बाद में सर्विस को इनेबल कर दिया जाता है, ठीक है, आप कॉल आना जाना सब कुछ चालू, नेट वगैरह सब कुछ ऑन हो जाता है, ठीक है, सब कुछ यूज करो, नेट वगैरह कॉलिंग वगैरह आना जाना का, इनकमिंग आउटगोइंग सब चलने लगता है, ठीक है, सब एक्टिवेट हो जाता है। ओके, लेकिन हाँ, अगर इसका बिल नहीं पे करोगे, ठीक है, जैसे 706 रुपये का बिल आया था प्लस में 282 रुपया, तो दोनों जुड़ जाएगा भाई, ठीक है, 988 रुपये हुए, ठीक है, अब यहाँ पे 988 रुपये जो टोटल बना है, इसको अगर हम कभी ना पे करें, कभी ना, हमको मन ही नहीं है पे करने का, ओके, हम कभी नहीं पे करेंगे, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये होता है कि आपका जो नंबर है ना, जो आपने लिए थे, ओके, चूज करके लिए थे, या फिर आप जो है दोस्तों पोर्ट करवाए थे, आपका नंबर पोर्ट करवाए थे, ठीक है, जो भी नंबर आपने पोर्ट करवाए या फिर आपने नया नंबर लिए थे, वो नंबर का तो सर्विस सस्पेंड हो ही गया। ओके, अगर उसको आप 6 महीने तक बिल ना पे किए और सर्विस तो सस्पेंड है, तो 6 महीने के बाद वो नंबर क्या होता है, रीसेलिंग हो जाता है। ओके, मतलब वो नंबर किसी और यूजर को दे दिया जाता है, ठीक है, जैसे हम नया सिम खोलाने गए, तो नया सिम जो एक्टिवेट हुआ तो मेरे को नंबर मिला, ठीक है, भाई जो नंबर है किसी और को था, किसी और का था पहले, हमें मिल गया, ठीक है, जैसे मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ कि एयरटेल का नंबर था, आइडिया का नंबर था, ओके, जो मतलब कि यार डोकोमो, टाटा डोकोमो का था, यूनिनोर का था, ठीक है, ये सब सारे नंबर मेरे कहाँ गया, ठीक है, किसी और को सेल कर दिया गया, ठीक है, एयरसेल का था, सब किसी और को सेल हो गया, ठीक है, आज मैं नंबर लगाता हूँ तो लगता है, ठीक है, कहीं राजस्थान, कभी गुजरात, कभी यहाँ उधर, ठीक है, जहाँ जहाँ कर लिया था वहीं वहीं लगता है, ठीक है, तो ये नंबर जो है दोस्तों सेल कर दिया जाता है, रीसेल कर दिया जाता है, ठीक है, और किसी और के नाम से
हो जाता है वो सिम कार्ड। मैंने एक को फोन भी किया, उसने बताया भाई मैंने अपना आधार कार्ड से खरीदा हुआ, ये मेरा सिम कार्ड है। मैं बोला भाई चलो मानता हूँ वो आपका सिम कार्ड है, लेकिन कुछ समय पहले भाई 7 महीने 8 महीने पहले ये सिम कार्ड मेरा था, ठीक है। तो वो बोलता नहीं भाई मैंने सिटी में जाकर के अपने दुकानदार से खरीदा हूँ, ठीक है, मेरा ये नया नंबर है, ठीक है, तो ये नंबर आपका रिसेलिंग हो जाएगा। अब भाई 706 रुपये जो को बिल है, या फिर 988 रुपये का जो बिल है, या फिर आपका कितने का भी बिल हो, ठीक है, 1000 2000 5000 कितने का भी बिल हो, अगर आप बिल नहीं पे करोगे तो अंबानी जी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ओके। अंबानी जी के अकाउंट में अगर 890 रुपये नहीं भी गए ना, उनको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। नुकसान आपका यहाँ पे है कि आपका नंबर आपके हाथ से चला जाएगा। अगर आपका फेवरेट नंबर था, बहुत पुराना नंबर था, और अगर आपके हाथ से चला गया ना, तो फिर वापस आना बड़ा मुश्किल है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि दोस्तों बिल नहीं पे करने से यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। कुछ लोग तो बोलते हैं यार जेल चले जाएंगे, कुछ भी नहीं होता दोस्तों, मैं तो सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, बस आपके हाथ से नंबर चला जाएगा, ठीक है, बस यही होगा। तो भाई टेंशन फ्री होकर रहना, ठीक है, नहीं पे करने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तो कहते हैं यार भाई बिल पे कर दो यार, 700 800 रुपये क्या चीज़ है यार, ठीक है, बिल पे कर दो, ठीक है, मैं तो बिल पे कर दूंगा भाई, ठीक है, क्योंकि मेरा नंबर फेवरेट है यार, तो मैं क्या, इसलिए आप भी बिल पे कर दीजिए, ओके। ज़्यादा कुछ नहीं इस वीडियो में बोलूँगा, ओके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हेल्पफुल लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए, फिर मिलते हैं आपको इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक डाटा बाय बाय, टेक केयर।